एक्स। सेकेंड रिएक्शन है जिंक का कंसंट्रेटेड एनएओएच के साथ, दो प्रोडक्ट बन रहा है टी प्लस क्यू, और फिर जो प्रोडक्ट जी है फर्स्ट रिएक्शन का वो थर्ड रिएक्शन में एज रिएक्टेंट यूज हो रहा है, प्लस एच टू एस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है जेड, प्लस दो और कंपाउंड मिल रहे हैं एक्स प्लस वाई। कर आई चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो वेरी फर्स्ट ये जो तीन रिएक्शंस हैं इन तीन रिएक्शंस को हम लोग सॉल्व करें, और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें, और फिर उसके बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो वेरी फर्स्ट जिंक प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2। चूंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये जिंक को ऑक्सीडाइज करता है प्लस टू में और खुद रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर के SO2 में आता है। अब ये तीन प्रोडक्ट GRX हैं, ये तीन यहाँ है GRX। अब फर्दर रिएक्शन से आइडेंटिफाई होगा कि कौन G है, कौन R है, कौन X है। सेकंड देखें, सेकंड रिएक्शन जिंक प्लस कंसंट्रेटेड NaOH। जिंक चूंकि एम्फोटेरिक मेटल है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ये जिंक एसिड से और बेस से दोनों से ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवाता है, एम्फोटेरिक मेटल है। नेक्स्ट है, अब ये टी क्यू दो प्रोडक्ट है, टी और क्यू ये है, कौन सा टी है कौन सा क्यू है नेक्स्ट रिलेशन से ये पता चल सकता है। जी प्लस एच टू एस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो रहा है। आप थोड़ा सॉल्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाएं। सॉल्ट एनालिसिस में जिंक ग्रुप फोर का कैटायन है, ग्रुप फोर के कैटायन का जो रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट वो एच टू एस प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप फोर में चार कैटायन है, Mn2 प्लस Zn2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस, यानी ये जी जो है जिंक कंटेनिंग कंपाउंड है, और रिएक्शन फर्स्ट में जिंक कंटेनिंग कंपाउंड ZnSO4 है, इसलिए ये जी ZnSO4 है, जी ZnSO4। करवावे तीसरा रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2S प्लस NH4OH। ये जो रिएजेंट है H2S अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है H2S का आयोनाइजेशन इंक्रीज करने के लिए, ताकि सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़े और जिंक आयन को प्रेसिपिटेट कर ले एज ZnS। ये व्हाइट पीपीटी है प्लस ये हाइड्रोजन सल्फाइड से आया हुआ H प्लस आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया हुआ हाइड्रोक्सिल आयन, ये H2O का फॉर्मेशन करेगा, प्लस ये अमोनियम आयन और सल्फेट आयन ये सॉल्यूशन में रहेंगे अमोनियम सल्फेट के फॉर्म। अब आ जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन, R इज ए वी शेप्ड मॉलिक्यूल, तो ये ZRX, SO2 और H2O ये दोनों ही वी शेप्ड मॉलिक्यूल है, तो इनमें से आप किन्हीं को भी R और X लें, आगे देखें ये चेंज हो सकता है बट ऑप्शन पर डिपेंड करता है। Z इज डर्टी व्हाइट इन कलर, Z इज ZnS, इट इज Z, प्रेसिपिटेट Z है, ये X प्लस Y है, ZnS Z व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही था ही, सेकंड ऑप्शन भी सही है, Z इज डर्टी व्हाइट इन कलर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन टी इज प्लस वन, टी सेकेंड रिएक्शन में आप देखें जिंक का कंपाउंड कर रहा है टी, यानी ये टी है,
तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन क्यू हो गया। अब इस कंपाउंड टी में सोडियम जिंकेट में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू, जबकि यहां कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन टी इज प्लस वन, तो ये गलत है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्यू इज वन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, क्यू इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में एच सिंगल बॉन्ड है ग्राउंड स्टेट में। आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंफिग्रेशन करोगे सिग्मा वन एस टू, बॉन्ड ऑर्डर इज वन, तो ये सही ऑप्शन है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्यू इज वन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इस क्वेश्चन थर्ड के सही आंसर है वन टू एंड फोर। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी सेक्शन वन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव है, विथ रेफरेंस टू एक्वारेजिया चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एक्वारेजिया के रिगार्डिंग में करेक्ट ऑप्शन चुनने कह रहा है, एक्वारेजिया के करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट है, एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल इंफॉर्मेटिव चीज है। ऑप्शन फर्स्ट, एक्वारेजिया तीन पार्ट HCl और एक पार्ट HNO3 होता है, दोनों एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस एन एनायन हैविंग Au इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शन देखें, आपको पता होना चाहिए गोल्ड और प्लैटिनम नोबल मेटल है, ये मैक्सिमम एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ भी नहीं करता, बट ये एक्वारेजिया में ये दोनों मेटल गोल्ड और प्लैटिनम डिजॉल्व होते हैं। गोल्ड एक्वारेजिया में डिजॉल्व होकर के HAUCl4 क्लोरो ऑरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, Au+HNO3+HCl HAUCl4 क्लोरोऑरिक एसिड प्लस अदर प्रोडक्ट है NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2। कह रहा है रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस एन एनायन, तो ये जो कंपाउंड है इसका एनायन AuCl4 है और AuCl4 में Au का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, करा Au इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ये सही ऑप्शन है। थर्ड है, द येलो कलर ऑफ एक्वारेजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2। एक्वारेजिया स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होता है HNO3+3 HCl, ये डिकम्पोज होता है NOCl+Cl2+H2। NOCl का कलर होता है ऑरेंज येलो, जबकि क्लोरीन का कलर है ग्रीनिश येलो। इन दोनों कलर्ड कंपाउंड की वजह से एक्वारेजिया का कलर होता है येलो, तो थर्ड भी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन फोर, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये रिएक्शन जो हमने वेरी फर्स्ट लिखा है, ये रिएक्शन अब्सेंस ऑफ एयर में ही है। अगर एयर के प्रेजेंस में लेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के द्वारा NO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अगर एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा NO2। एयर के अब्सेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड है, जबकि यहां कह रहा है रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर NO2 होगा, अब्सेंस ऑफ एयर में नाइट्रिक ऑक्साइड ही होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन
इनकरेक्ट है, करेक्ट अपने को सेलेक्ट करना है जो कि ऑप्शन टू एंड थ्री है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेक्शन वन में ही है क्वेश्चन, वन और मोर देन वन टाइप है। द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन, गोल्ड एक्सट्रैक्शन से है, मेटलर्जी से है, मेटलर्जी में ये साइनाइड प्रोसेस है। ये आपके एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। साइनाइड क्वेश्चन पढ़ें, द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विथ साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू इन वाटर टू फॉर्म आर। जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाया जाता है, क्यू जो है ये ऑक्सीजन होगा, टू फॉर्म आर। तो वेरी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन लिख लें साइनाइड प्रोसेस का गोल्ड एक्सट्रैक्शन में, ए यू प्लस सी एन माइनस प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू, प्रोडक्ट फॉर्म होता है AuCN whole twice minus plus OH minus. Water to form product R. तो Q तो हो गया O2 और R हो गया ये gold का complex. Subsequently, R is treated with T. इस कंपाउंड आर से गोल्ड के कॉम्प्लेक्स से गोल्ड को रिड्यूस किया जाता है यूजिंग जिंक डस्ट। आर इज ट्रीटेड विथ टी, तो जिंक हो गया टी टू ऑब्टेन ए यू एंड जेड। तो ये जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन टू गोल्ड, इसलिए ये गोल्ड को इस कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन से गोल्ड को डिस्प्लेस कर देगा और अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जेड एन सी एन फोर टू माइनस प्लस गोल्ड, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये इसको फिल्टर आउट कर लेंगे। नाउ चूज करेक्ट ऑप्शन। जेड कह रहा है यहां आर इज ट्रीटेड विद टी टू ऑब्टेन ए यू एंड जेड, तो जेड ये हो गया ये जिंक का कॉम्प्लेक्स। अब करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, टी इज जिंक सही है, क्यू इज ओ टू ये भी करेक्ट ऑप्शन है, आर इज ए यू सी एन फोर माइनस, आर इज ए यू सी एन होल ट्वाइस माइनस है, सी एन की होल फोर नहीं है, यहां दो ही साइनाइड है, यहां चार साइनाइड दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन इनकरेक्ट। चौथा ऑप्शन जेड इज जेड एन सी एन फोर टू माइनस, जेड इज जेड एन सी एन फोर टू माइनस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके आंसर वन टू एंड फोर होंगे। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन टू में, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सिस नाइट्रोजन मैग्नीज क्लोरीन बॉन्ड एंगल दैट इज MnN एंड MnCl बॉन्ड्स इन सिस पोजीशन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सिस। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ये एक कॉम्प्लेक्स का सिस फॉर्म है MnN ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दो लिगेंड बाइडेंटेट इथिलीन डायमीन है, दो मोनोडेंटेट लिगेंड क्लोराइड लिगेंड है। आपसे पूछ रहा है एन एम एन सी एल सिस पोजिशन पर जो है ऐसे बॉन्ड एंगल कितने होंगे। सिस पोजिशन का मतलब 90 डिग्री का एंगल है। तो आप ये देखिए, ये नाइट्रोजन इस क्लोरीन के साथ और इस क्लोरीन के साथ, इस नाइट्रोजन का जो पोजीशन है ये, तो इस क्लोरीन के साथ ये परपेंडिकुलर है, तो ये
NMNCl, ये दो एंगल तो इस ये नाइट्रोजन बना रहा है। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी NMNCl, ये दो बना रहा है, प्लस ये नाइट्रोजन NMNCl, ये सिस है, बट ये NMNCl ये ट्रांस है, ट्रांस को नहीं कंसीडर करना है, आपसे पूछ रहा है सिस वाला बॉन्ड एंगल। तो ये नाइट्रोजन एक ही क्लोरीन के साथ सिस पोजीशन पर है, तो एक एंगल ये हो जाएगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी केवल एक क्लोरीन के साथ सिस पोजीशन पर है, दूसरे क्लोरीन के साथ ट्रांस पोजीशन पर है, तो सिस NMNCl बॉन्ड एंगल ये नाइट्रोजन भी एक ही फॉर्म कर रहा है। तो ये टोटल जो NMNCl सिस बॉन्ड एंगल हो गया, ये 6 हो गया। ओके, थैंक यू।